इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जड़ पानी पीने की जगह की आसपास कहीं है। चल मोन, चल चल। अरे कहाँ चल? स्कूल में मालूम तो करना पड़ेगा ना कि सब हो क्या रहा है। पागल हो गया है क्या? ऐसी हालत में कोई स्कूल के अंदर जाएगा? मैं जा रहा हूँ। करो करो करो। अरे तुझे देख के ये तो नहीं लगता कि तू सटिया गया है, लेकिन फिर भी तेरा एक चेकअप करना पड़ेगा। मॉन्टी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और सुन, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तू भी चल रहा है मेरे साथ, समझा ना? अब तो कंफर्म हो गया कि तुझे कुछ हुआ है। अरे तेरे पास किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर है क्या? मैं भी क्या पागल हूँ, एक हॉस्पिटल में खड़े होके डॉक्टर का नंबर पूछ रहा हूँ। चल चल तू अंदर चल। चल हाँ चलेंगे अंदर, यहाँ नहीं स्कूल के अंदर, चल। गौरव अभी तेरी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तू बहुत सीरियस है। बिल्कुल हूँ मॉन्टी, अपने स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मालूम तो करना पड़ेगा कि चक्कर क्या है। लेकिन तुझे किस डॉक्टर ने बोला इसके बारे में पता लगाने के लिए और भी बहुत लोग हैं। मॉन्टी अगर हम सब ये सोचकर बैठ जाएंगे कि काम दूसरे लोग करेंगे तो इस देश का क्या होगा? वैसे तेरी बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ जान का खतरा है। जितने भी लोग अंदर गए हैं ना वो सब बुद्ध बन के ही बाहर आए हैं। बिल्कुल है, लेकिन अगर इस राज के जड़ तक पहुंचना है तो किसी ना किसी को इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें हिम्मत है वो हिम्मत करे, हमें तो हिम्मत नहीं है भाई। शर्त लगाता है? मतलब क्या तेरा? मॉन्टी तू कह रहा है कि तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि तुझे इतनी हिम्मत है कि तू मेरे स्कूल के अंदर चलेगा, मंजूर है? देख तू कह रहा है तू डरपोक है, और मैं कह रहा हूँ कि तू डरपोक बिल्कुल नहीं है, राइट? बाय बाय। अरे करो करो करो, चल रहा है? अरे मैं पागल हूँ क्या? वो तो मैं कह रहा था कि वहाँ जान का खतरा है, तू वहाँ मत जा। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। अरे रुको रुको रुको, क्या है? मैं भी चल रहा हूँ। देखा मैं जीत गया ना मोंटी? मुझे तो लगता है तेरी इस जीत में मेरी तुझसे ज्यादा बड़ी जीत है। मोंटी अपनी फिलोसफी बंद कर दे, चल चल। क्या हुआ मोंटी, आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज? मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। किसी के फुंकारने की आवाज। फुंकारने की आवाज? मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या बात कर रहा है, ध्यान से सुन। मोंटी, अरे नहीं यार मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या बात कर रहा है, ध्यान से सुन। आ गए तुम। आ गए तुम, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। मुझसे कौन हो तुम? चले आओ, चले आओ मेरी तरफ, चले आओ। मगर तुम हो कौन? क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा ही इंतजार है। चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरी तरफ, चले आओ। तुम क्या
चाहते हो मुझसे? जल्दी बताओ। तुम्हें सब पता चल जाएगा। चले चले आओ मेरी तरफ। नहीं नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत कम है। चले आओ चले चले आओ मेरी तरफ। सोचो मत। चले आओ चले आओ। आ गए तुम। जी जैम जैमी बूम। तुम्हारी सजा यही है कि तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। अब तुम अपने किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां तभी तुम्हें वापस मिल सकती हैं जब तुम अच्छे और बहादुरी के काम करोगे, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करोगे। जैसे जैसे तुम इस तरह के काम करते जाओगे, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां वापस मिलती जाएंगी। जी जैम जैमी बूम। ये पढ़ने आता है? We'll be right back.
गौरव 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 तू कहाँ है गौरव 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 शैली बेटा हाँ बोलो बेटा शैली बोलो तुम बोल सकती हो बेला हाँ हाँ बोलो शैली तुम बोल सकती हो बोलो बेटा कोशिश करो बोलने के लिए बोलो बेटा बोलो ना तुम बोल सकती हो हाँ बेटे तुम बोल सकते हो बोलो बेटा शैली बोलो शैली गौरव मोंटी गौरव मोंटी गौरव मोंटी क्या हुआ उन दोनों को बताओ बेटे बताओ गौरव मोंटी मुसीबत में कहाँ क्या हुआ उन्हें बोलो बेटा स्कूल में पानी पीने की जगह के पास स्कूल में पानी पीने की जगह क्या हुआ पानी पीने की जगह के पास बचा लीजिए उन्हें 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 क्या हुआ बेटा जल्दी बताओ बेटा हाँ क्या हुआ उन्हें वो दोनों शैली शैली मेरी बच्ची आंखें खोलो शैली गौरव मोंटी मुसीबत में पानी पीने की जगह के पास कुछ करना पड़ेगा गौरव
मोंटी, मोंटी, मेरा बच्चा, मेरा मोंटी। डैडी ने कहा था कि वो दोनों कहीं पानी पीने की जगह के आसपास मिलेंगे। मगर उसने जो कुछ भी कहा था वो सच है भी या नहीं? मैडम ये सब बातें सोच कर समझ कर डिस्कस करके हम आए। कोई नहीं जानता कि शैली ने ये बातें किस बेसिस पर कही, लेकिन जब हम उसकी बात मानकर यहाँ तक आए गए तो हमें उसकी बात पूरी तरह से माननी चाहिए। वो भी ठीक है, चलिए चलते हैं। लेकिन वो पानी पीने वाली जगह है किधर? यही है, यही। चलिए मूव, कम ऑन फास्ट, जल्दी करो, चलो मूव मूव मूव, जल्दी करो, कम ऑन फास्ट, जल्दी करो, जल्दी। ये देखो यही है वो जगह पानी पीने की। लेकिन लेकिन यहाँ कोई नहीं है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज तो मेरे मोंटी की है। मोंटी, मेरा बच्चे, मोंटी। अगर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है ये आवाज इस दीवार के पीछे से आ रही है। अगर इस दीवार के पीछे तो टंकी है, और वो तो कई बरसों से सील कर दी गई है। मैडम जो भी हो, ये इस दीवार के पीछे से आवाज आ रही है। मैडम प्लीज इस दीवार को तोड़वा दीजिए। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो दीवार को तोड़ देते हैं। हमारे पास इस दीवार को तोड़ने के सारे औजार हैं। चलिए चलिए चलिए। तुम? हाँ मैं। तुमने क्या सोचा था कि मैं मर गया? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। मैं तो तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मौका? इस तरह गुफा में छुपकर? लेकिन ये तो कायरों का काम है, कायरों का। तो मैंने कब कहा कि मैं बहादुर हूं? बहादुरी नाम की बेवकूफी। तुझे ही मुबारक हो, मुझे तो सिर्फ जीत चाहिए, जीत। और जीतने के लिए बहादुर होना जरूरी नहीं, चालाक होना जरूरी है, और जो मैं हूं। अगर तुम इतने ही चालाक हो तो तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तुम्हें याद है हमारी वो आखिरी मुलाकात? तुम समझे थे कि मैं मर गया, मगर मैं जिंदा था। वहां से गायब होकर मैं दूसरी जगह प्रकट हुआ, मगर मैं कहां प्रकट होऊंगा इस पर मेरा वश नहीं चला। मुझे फिमांचो ने पैदा किया था, और उसने मेरी रचना में ऐसा जाल बिछाया था कि कहीं भी गायब हूं तो पहुंचूंगा उसी के अड्डे पर। चिंकारा! आप? हाँ, परेशान क्यों हो रहे हो? ये ग्रेट फिमांचो का अड्डा है। नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैं परेशान नहीं हूँ। इसलिए कि तुम हमसे दगाबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ग्रेट फिमांचो अगर सांप पालता है तो उसके कांटे का इलाज भी रखता है। चिंकारा, इसलिए हमने तुम पे ऐसी शक्ति डाली थी कि तुम इधर उधर कहीं भी ना जा सको सिवाय हमारे अड्डे पे, सिवाय हमारे अड्डे के। मैं जानता हूँ फिमांचो, ग्रेट फिमांचो, मैं जानता हूँ कि आप महान हैं। आपसे बढ़कर कौन है इस दुनिया में? दुनिया के बड़े से बड़े मक्कार, बड़े से बड़े जालिम, बड़े से बड़े बदमाश आपके आगे पानी भरते हैं पानी। आप चाहें खुद शैतान भी आपके सामने सर झुका दे। मैं तो खुद आपकी सेवा में यहाँ आने वाला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे साथ गद्दारी करने के बाद ही तुम हमारे यहाँ आते? नामकुल बेवकूफ चिंकारा। गद्दारी? नहीं नहीं ग्रेट फिमांचो, मैं तो
मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक, मैं तो खुद आपके पास आ रहा था। मजाक कर रहे थे? वंडरफुल वंडरफुल, तो हम भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब हमारा मजाक देखो, अब हमारा मजाक देखो, चिंकारा। ग्रेट फिमांचो, ये आपने क्या कर दिया? फिमांचो, ये क्या कर दिया ग्रेट फिमांचो? मैं आपका गुलाम हूँ। हाँ, तू हमारा गुलाम था, हमारा गुलाम है और हमारा गुलाम हमेशा रहेगा। अब तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। जिंदगी भर ऐसा, ना आदमी ना जानवर। मुझे माफ कर दीजिए ग्रेट फिमांचो, मैं कसम खाता हूँ कि जिंदगी भर तन मन दिल से आपकी सेवा करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया? जा, तुम्हें माफ किया। तुम भी क्या समझोगे हमें? हाँ, ग्रेट फिमांचो का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक शर्त पर। वो ये है कि जब तुम वायुमंडल से दूर जाओगे तभी तुम इस जन्म से मुक्त हो पाओगे, और यदि तुम फिर वापस इस वायुमंडल में आए तो यही रूप धारण करोगे, यही रूप धारण करोगे। चिंकारा। और बस तब से मैं धरती के वायुमंडल के बाहर ही जी रहा हूं, पर मेरा मन वहां नहीं लगता। मैं तो बना हूं इंसानों पर राज करने के लिए, उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। पर वहां है कौन जिस पर मैं राज कर सकूं? कुछ सैटेलाइट्स और इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा, बस उन पर राज करने में क्या मजा है? हा? तो अब तुम इसी रूप में इंसानों पर राज करोगे? नहीं, अब मुझे इस रूप से छुटकारा पाने की तरकीब सूझ गई है। वो क्या है? फिमांचो बरसों से जूनियर जी के पीछे पड़ा है, मगर आज तक उस पर फतह हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आखिर जूनियर जी है कौन। ये बात पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा सिर्फ मैं जानता हूं, मैं। और अगर मैं तुझे फिमांचो के सामने पेश कर दूं तो वो मुझे माफ कर देगा, माफ। मगर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? फिमांचो के रहते हुए तुम इस दुनिया पर कभी राज नहीं कर पाओगे। मगर फिमांचो रहेगा कहां? एक बार अगर मैं असली रूप में आ जाऊं तो सबसे पहले मैं उसे ही ठिकाने लगाऊंगा, उसे ही। क्या? वैसे तुम चाहो तो हम दोनों एक काम और कर सकते हैं। वो क्या? देखो हिमांचो तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी। वो ये नहीं जानता कि तुम हो कौन, और तुम ये नहीं जानते कि वो मिलेगा कहाँ। मगर ये दोनों बातें सिर्फ मैं जानता हूं, मैं यानी बोनापार्ट। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर हिमांचो को खत्म कर दें? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सब हो जाने के बाद तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? बस क्या, तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तुम पर जो भरोसा करेगा ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लगता है कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे तुझे लेकर जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बच्चा, आप घबराइए ना।
लगता है मेरी सजा अभी तक कम नहीं हुई, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? लगता है जूनियर जी आज कुछ परेशानी में हो, तुम्हारी शक्तियां आज कुछ काम नहीं कर रही है। क्यों क्यों? शायद इसलिए कि कलयुग में शैतानी शक्तियों का राज होता है। मगर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, जीत हमेशा उजाले की होती है। भाषण अच्छा देते हो तुम, थोड़ी फुर्सत होती तो बैठकर आराम से सुनता। मगर क्या करूं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। सॉरी दोस्त, सॉरी, हाँ वेरी सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मोंटी, मेरा बच्चा। मोंटी, मोंटी मेरा बच्चे। मोंटी, मेरा बच्चे। क्या हो गया तुझे? मेरा मेरा बेटे। अरे मोंटी, तू मुझे सुन सकता है? मोंटी, मेरा बच्चे। मोंटी, मोंटी, बेटा तू मुझे सुन सकते हो? मोंटी, मेरा गौरव कहाँ है? मोंटी, मोंटी बोलो, बोलो, बोलो बेटा, बोलो। गौरव बताओ कहाँ है? गौरव कहाँ है? मोंटी, बोलो बेटा, बोलो बोलो, गौरव कहाँ है बेटा, जल्दी बोलो। अगर ये दोनों यहाँ तक साथ में आए तो गौरव को ढूंढने का रास्ता भी यही कहीं होगा। लगता है यहाँ कोई एक और रास्ता है जो जो बंद हो चुका है। आप ठीक कह रहे हो, उसे भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कमाल है, अब तक हम इतनी दूर आ चुके हैं कि स्कूल को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और अब एक और खुफिया रास्ता। मम्मी, ये तो मोंटी है, इसे क्या हो गया? कुछ नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ठीक होने लगी हो ना, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सारे बच्चे वैसे ही हैं। हाँ बेटा, हम सब भी ये जानना चाहते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे अभी तक भूत बने हुए हैं, लेकिन तुम कैसे ठीक हो गई? वो मैं गौरव, बेटा क्या क्या गौरव, क्या बताओ बेटा? वो गौरव भी तो फंसा हुआ था मोंटी के साथ, वो कहाँ गया? बोलिए ना डैडी, गौरव कहाँ गया? बेटा गौरव हमें वहां नहीं मिला, पर मोंटी की हालत भी ऐसी है कि वो कुछ बता नहीं सकता।
पर बेटा तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कैसे ठीक हो गई, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मुझे कुछ पता नहीं अंकल, जब मुझे होश आया फिर मुझे एक सपना सा दिखा कि वो दोनों वहीं पर होंगे। मैं जानती हूँ अंकल कि इस समय आप बहुत परेशान हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हम सबकी भलाई के लिए शायद यही अच्छा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हम अपने सारी दैवी शक्ति का प्रयोग करके भी गौरव को कहीं नहीं देख पा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे संभव है? आपकी दिव्य दृष्टि तो ब्रह्मांड के हर कोने में देख सकती है, उससे कोई कैसे बच सकता है प्रोफेसर? यही तो, ऐसा लगता है जैसे गौरव पूरे ब्रह्मांड से कहीं गायब हो गया है। मगर यह भी कैसे संभव है? कोई प्राणी चाहे जितना दूर चला जाए, रहेगा तो ब्रह्मांड में ही, तो फिर गौरव इस ब्रह्मांड से कैसे गायब हो सकता है प्रोफेसर, कैसे? यही बात तो मुझे चिंता में डाल रही है। गौरव के इस तरह गायब होने का अर्थ है किसी अत्यंत शक्तिशाली प्राणी ने उसे कहीं छिपा दिया। कौन हो सकता है वो प्राणी, और गौरव को उसने कहां छुपाया होगा? गौरव को खोजने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मगर क्या करेंगे आप? कैसे खोजेंगे उसे? अगर आपकी दिव्य दृष्टि भी उसे खोजने में असफल रही तो फिर कौन सफल होगा यहां? सोचते हैं। ठीक है प्रोफेसर। एक संभावना है। वो क्या है प्रोफेसर? हे ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियों, हे बुराई के प्रतीक शैतान के शत्रुओं, हे पृथ्वीवासी मनुष्यों के रक्षकों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। अगर मेरा तप सच्चा है, अगर मेरा हृदय हमेशा पवित्र रहा है, अगर मैंने कभी किसी का अनर्थ चिंतन नहीं किया है, तो आओ आओ मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। हम प्रस्तुत है आदरणीय, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं? मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। मेरा प्रिय शिष्य गौरव अदृश्य हो गया है। मैं अपनी देवी शक्ति का प्रयोग करके भी उसे कहीं खोज नहीं पा रहा हूं। मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। तुम सब जाओ और उसे ढूंढ कर ले आओ। जो आ गया, हम उसे ढूंढ कर आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। ये चारों गौरव को अवश्य ढूंढ कर ले आएंगे, लेकिन तब तक हमें भी अपने प्रयत्न बंद नहीं करने होंगे। मैं कुछ देर के लिए ध्यान लगाना चाहता हूं। एक रास्ता मिल गया है। क्या? गौरव के साथी शैली। गायब होने से पहले गौरव ने अपने शक्तियों के कुछ अंश उसके अंदर छोड़े थे, और जब गौरव संकट में था तब उसी ने सबको आगाह किया था। मुझे लगता है वो हमारे लिए गौरव को ढूंढने में सहायक सिद्ध हो सकती है। किंतु वो कहां मिलेगी प्रोफेसर? वो कहां मिलेगी ये हमें पता है।
चिंकारा। क्या हुआ ग्रेट फिमांशो, आपने कोई बुरा सपना देखा? निडा, बुरे सपने की क्या मजाल जो ग्रेट फिमांशो की तरफ आए, क्योंकि ग्रेट फिमांशो खुद ही इस दुनिया के लिए बुरा सपना है। तो फिर आप इस तरह से चौंके क्यों? चौंका? निडा, मैं चौंका नहीं था, ये तो मैंने एक झटका महसूस किया था, झटका। आपको और झटका, ये तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। लिंडा, ग्रेट फिमांशो जो कहता है उस पर विश्वास करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। हमने अभी भी ऐसा महसूस किया कि हमारे अंदर कोई शैतानी शक्ति ने प्रवेश किया है। शैतानी शक्ति? लेकिन आपके अंदर तो पहले से ही इतनी शैतानी शक्तियां छलक रही है कि और शक्तियों के लिए जगह ही कहां बची है। लिंडा, लिंडा, तुम नहीं जानती कि हमारे पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि अगर दुश्मन की शक्ति उस दायरे में आती है तो उसकी आधी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ये तो बहुत काम की शक्ति है। जब तक ये शक्ति आपके पास है, आपका कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता। लेकिन इस वक्त इस शक्ति का आपके अंदर प्रवेश करने का मतलब है कि आपका कोई दुश्मन आपके इन शक्तियों के दायरे में आ गया है। सही समझी लिंडा, एकदम सही समझी हो तुम। अब ये दुश्मन है कौन, इसका पता लगाना है। चिंकारा, क्या आपको पता चला? तुम खामोश रहोगे तो हम पता लगा सकते हैं। खामोश। चिंकारा, चिंकारा, ये पूरा पाठ, ये पूरा पाठ वायुमंडल में क्या कर रहा है? बेटा, अब तुम बोल सकती हो। थैंक यू ग्रेट फिमांशो, लेकिन मैं क्या बोलूं? खामोश, तुम खामोश अच्छी हो। ये बोनापार्ट हमारे यहाँ क्या करने आ रहा है, ये वायुमंडल में क्या कर रहा है? गोगा। यस बॉस। इस बात का पता लगाओ कि बोनापार्ट वायुमंडल में क्या कर रहा है। तुम और लिंडा जाओ और इसका भेद जानो, इसका मतलब समझो। हो जाएगा ग्रेट फिमांशो, ये कौन सी बड़ी बात। ठहरो, उससे पहले कि तुम लोग यहाँ से प्रस्थान करो, मैं तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को भेजता हूँ। ग्रेट फिमांशो, आज्ञा कीजिए स्वामी। हमारी शक्तियों, तुम सबका स्वागत है ग्रेट फिमांशो के डेन में। ग्रेट फिमांशो के डेन में हमारा दुश्मन वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। तुम लोग गोगा और लिंडा के साथ जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। हमेशा के लिए। ग्रेट फिमांशो के साथ टक्कर लेने चला था। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। चिंकारा। शैली बेटी, शैली। आप कौन है आप? इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी भी आज तक नहीं समझ पाए।
फिर भी हम तुम्हें अपना परिचय देते हैं। हम गौरव के माता पिता के गुरु हैं और हमारा नाम प्रोफेसर फर्नांडो है। गौरव के माता पिता, उन्हें तो मरे कई साल हो गए। चलिए चलिए चलिए। प्रोफेसर फर्नांडो, लगता है कोई आ रहा है। इसकी चिंता तुम मत करो, इस समय तुम्हारे अलावा हमें कोई और नहीं देख सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय हम तुम्हारे सामने होते हुए भी इस भौतिक संसार में नहीं है। इस सृष्टि में मनुष्य भौतिक जीवन समाप्त करने के बाद एक और जीवन जीता है, समझ लो हम वही जीवन जी रहे हैं। इस जन्म में हम गौरव के माता पिता के गुरु हैं, जैसे हम उस जन्म में थे। ओ, लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? यहाँ आने का कारण गौरव को ढूंढने और इन सब बच्चों के इलाज के लिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? इस बात का उत्तर हम तभी देंगे जब तुम हमारे साथ चलने का फैसला कर लोगी। किंतु मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? अगर तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो तो इसकी तुम इच्छा करो। आगे का कार्य वो सर्वशक्तिमान स्वयं कर लेंगे। ठीक है। ओ तुम्हारा सिर्फ शरीर है और जो तुम हो वो ये है। लेकिन अगर मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई तो मैं तो मर जाऊंगी ना? नहीं, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय दूर है, इसलिए तुम मरोगी नहीं। लेकिन तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारा शरीर यहाँ अचेत पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। चले? हाँ चलो। हो गई हूं। ऐसा इसलिए लग रहा है शैली, क्योंकि ऐसा ही है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम अपना शरीर पीछे छोड़ आई हो। हाँ, सचमुच मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन गुरुजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या? वो ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? गौरव कहाँ है और उसने मुझ पर क्या जादू किया था? और हमारे स्कूल के बच्चे भूत कैसे बन गए हैं? और इन सब में मैं कहाँ फिट होती हूँ? एक बात तुम्हारे हिसाब से ये एक बात है, इनमें से कुछ सवालों का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा अगर हम तुम्हें ये बता दें कि वास्तव में गौरव ही जूनियर जी है। क्या? ये तो हद हो गई। कैसा दोस्त है वो, उसने कभी मुझे इस बार में बताया नहीं। कैसे बताता, क्योंकि ये बात किसी को भी बताने की अनुमति नहीं थी उसे। जूनियर जी बनकर जो जिम्मेदारी उसके सर पर है उसे निभाने के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी वास्तविकता सबसे छिपा कर रखे। मगर अब स्थिति ऐसी आ गई है, तुम्हें यह सब बताना जरूरी हो गया है। ऐसी क्या स्थिति आ गई है गुरुजी? गौरव हम सबकी नजरों से ओझल हो चुका है, किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहां है। मगर गायब होने से पहले उसने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। क्या? वो समझ गया था कि उसे एक दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए जाना होगा, जहां से वो शायद जल्दी वापस न आ सके। इसलिए उसने अपनी शक्तियों में से कुछ अंश तुम्हारे अंदर भेज दिए। मेरे अंदर? लेकिन
मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बावजूद वो शक्तियां तो तुम्हारे अंदर ही है। ओ, तेरे हॉस्पिटल में पड़े पड़े मैं गौरव मॉन्टी को देख पाई। अब तुम ही एक ऐसा माध्यम हो जिसके जरिए हम गौरव को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। चलो, हमारा स्थान आ गया है। विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे इरादे पूरे नहीं है। मैं तुम्हें और ग्रेट फिमांचो को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। तो फिर यहां किस लिए आए हो? मैं तो ग्रेट फिमांचो के लिए एक तोहफा लाया। तोहफा? तोहफा? हाँ। कहां है तोहफा? यही देखो। ये कौन है? ये है जूनियर जी, और इसे मैं ग्रेट फिमांचो के हवाले करने जा रहा हूं। हम कैसे विश्वास कर ले कि ये जूनियर जी है? ये तो कोई साधारण बच्चे जैसा दिखता है। हाँ, हम कैसे तुम पर विश्वास कर सकते हैं? पहले भी तुमने इसी तरह से ग्रेट फिमांचो को धोखा दे दिया है। बेवकूफ, की तरह बातें मत करो। मैं फिमांचो से भाग कर नहीं, मैं खुद उसके पास जा रहा हूं। वो खुद देख लेगा ये बच्चा जूनियर जी है या नहीं। और तुम लोगों को सबूत देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मेरे रास्ते में आओगे, अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। चलो चलो मेरे साथ आओ। शैली बैठो। क्षमा चाहती हूँ स्वामी, मैंने पूरे आकाश को छान मारा किंतु गौरव कहीं नहीं मिला। मैंने पूरी धरती की परिक्रमा कर ली किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। मैंने धरती के अंदर हर स्थान पर खोजा
किंतु व्यर्थ। मैंने सारी जलराशि टटोल मारी, किंतु यही हुआ। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने पूरी शक्ति से प्रयत्न किया, हम इसी से प्रसन्न हैं। अब हम इस बालिका की मदद से गौरव को खोजने का प्रयत्न करेंगे। तुम लोग जा सकते हो। शैली, अब अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ बेटी। ओम, 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 ओम। आखिर प्रोफेसर बर्नांडो ने शैली के माध्यम से गौरव को ढूंढ ही लिया। क्या प्रोफेसर बर्नांडो गौरव को बोनापार्ट के आतंक से छुड़ा पाएंगे? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।